अज असी टाइल पेंटिंग करांगे। आ देखो वाइट कलर दी जिहड़ी मैं टाइल लिती है। आ ब्रश ने एक फ्लैट, एक राउंड ब्रश है और कलर है नाल करैलिक कलर। ये हुण ग्रीन कलर ले लिया मैं। ये सिर्फ टाइपिंग करनी है, टैपिंग। ये हुण वाइट कलर ले लिया। मैं ब्रश नाल नहीं लै रही, डायरेक्ट मैं ट्यूब नाल यूज़ कर रही हाँ। हुण मैं स्पॉन्ज लैके टाइपिंग करनी शुरू करती। पहला डार्क टू लाइट जा रही हाँ। पहला ये कि ये है फाइन आर्ट्स का एक प्रिंसीपल ऑफ आर्ट दे विच कि डार्क टू लाइट, जो तो डार्क कलर होन उदो असी इस तरह के कलर इस तरह यूज़ करते हैं, डार्क टू लाइट ते जाने हैं। ए देखो वाइट कलर हो है, पर मेरे को स्पॉन्च दे विच थोड़ा जा ब्लू कलर है, जिस दे नाल वो इफेक्ट आई जा रहा है नाल दी नाल। आ देखो इस तरह ही असी सारा की कहिंदे ने जिहड़ी प्लेट आ वो कर लेनी है, जिहड़े असी कलर्स लगाए ने वो अकॉर्डिंग टू डार्क टू लाइट। इस दे उत्ते हुण असी कोई भी स्केच पेन लैके जां की कहिंदे ने को हार्ड जिहड़ा जिहदा पॉइंट होवे वो चीज़ लैके असी इहदा स्केच बना सकदे हाँ। बना रहे हाँ, आ देखो स्केच बना रहे हाँ। ये तुसी डिज़ाइन जिहड़ा मर्जी बना सकदे हो, चाहे फुल पत्तियां दा बना रहे हो बना लो, चाहे किसी एनीमल दा, किसी पंछी दा, किसी भी चीज़ दा तुसी बना सकदे हो। इत्थे मैं फुल पत्तियां दा डिज़ाइन लिता है। ये देखो एक फुल बन गया और दूसरा मैं बना रही हाँ। आ बन गया दूसरा। ये दूसरा पत्ती बन गई। इसे तरह वक् वक् छोटे भी बना ले मैं फुल। हुण मैं एक होर बना रही हाँ। इसे तरह ये पूरी ड्राइंग असी कर लांगे, जिस तरह सानू फुल पत्तियां चाहिदियां ने, जां नैगेटिव प्लेस नू कवर करना। इहदे विच इक पॉजिटिव और नैगेटिव हुंदी है। हुण मैं कलर करना शुरू करता। मैं इत्थे कलर मिक्स नहीं किया, मैं डायरेक्ट कलर ट्यूब दे विचों ही लै रही हाँ। मैनू थोड़े जे थिक कलर मैं चाहुंदी हाँ कि जो मैं जिहड़ी ये पेंटिंग बनावा थोड़े जे थिक कलर लै के बनावा, इस करके मैं डायरेक्ट ट्यूब दे विचों ही लै रही हाँ। वाइट कलर मैं जिहड़ा लिता सीधा लै के ब्रश दे नाल और उत्थे अप्लाई कर रही हाँ फुल दे विच। नाले कलर अक्रैलिक कलर ने, इहनू असीं कढ़ांगे तां इह जिहड़े थोड़ा आफ्टर सम टाइम इह थिक हो जाणगे, ते उह यूज़ करन लग्यां थोड़ी जी मुश्किल हुंदी है। इहदे विच पानी तां मिल जांदा है, इहदा मीडियम तां पानी नाल असीं मिला सकदे हाँ, पर उह गल नहीं बनदी। मैनूं इत्थे थिक कलर चाहीदे ने, इस करके मैं डायरैक्ट कलर ही यूज़ कर रही हाँ। हुण रेड कलर ले लिया मैं। हुण अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैनू इत्थे रेड कलर लगाउण दा जिहड़ा सी कंबीनेशन अच्छा लग्या, तां मैं इत्थे रेड कलर लगा रही हाँ। तुसी अपने टेस्ट अनुसार जिहड़ा मर्जी कलर यूज़ कर सकदे हो। पर कलर कंबीनेशन जिहड़ा हुंदा है बहुत जरूरी हुंदा है। जदों असीं कोई आर्ट दी चीज़ बनाईए, लैंडस्केप बनाइए जां कुछ बनाइए, उहदे च कलर कंबीनेशन पहलां देखिया जांदा है। पहलां मैं चिट्टे रंग दे सारे फुल कंप्लीट कीते, हुण रेड कलर दे। ये फर्स्ट फीलिंग हो रही है।
पेंटिंग्स नूं थ्री टाइम असी फिल करते हाँ। पहला असी बेस उहदा फिल करते हाँ, फर्स्ट फिलिंग हो गई, इस तो बाद फिर असी सैकेंड फिलिंग करते हाँ। सैकेंड फिलिंग दे विच उहदी शेप्स वगैरह ठीक करते हाँ, जां उहदे की कहिंदे ने जिहड़ी उहदी ड्राइंग हुंदी है उह ठीक करते हाँ। तो जिहड़ी थर्ड फिलिंग हुंदी है उहदे विच लाइट एंड शेड पूरा कढ़दे हाँ भी कित्थे लाइट चाहीदी है ते कित्थे असी ज़्यादा शेड पाउणा है। हुण मैं फर्स्ट फिलिंग जिहड़ी है उह मैं पूरी कर रही हाँ। फर्स्ट फिलिंग येलो कलर ले लिया, लेमन येलो कलर। ये सिर्फ कलर कंबीनेशन बनाने वास्ते और जिहड़ा असी ऑब्जेक्ट्स जिहड़ा असी बना रहे हैं उन्हों अपने बेस तो बाहर कढ़न वास्ते असी कलर्स जिहड़े आ कलर स्कीम जिहड़ी वह वक्री वक्री लगा रहे हैं। हुण येलो कलर जिहड़ा कंप्लीट हो गया, इस दे नाल हुण सैकेंड जिहड़ी है वह सैकेंड कोटिंग शुरू हो गई। फर्स्ट जिहड़ा इहदा फर्स्ट राउंड पूरा हो चुका है, सैकेंड जिहड़ा है वह हो रहा है। ये सैकेंड दे विच मैं जिहड़ा ग्रास है वह मैं बना रही हाँ, सिर्फ अजे मैं फिल ही कर रही हाँ, लाइट एंड शेड नहीं दे रही ये विच कुछ नहीं, सिर्फ एक कलर लैके उन्हों फिल कर रही हाँ। एक जिहड़े दे है जिस तरह की शेप होवे, जे पत्तियां दी शेप ने शेप है तो उहदे राउंड शेप है तो ब्रश जिहड़ा राउंडिटी चलाना पेगा, तो जे इस तरह के सीधिया सीधिया लाइनस लगानिया ने तो जिहड़ा ब्रश है वह स्ट्रेट रखना पेगा, सीधा रखना पेगा। जिस तरह के असी पेंटिंग्स जां जिस तरह की शेप देनी है, देखो हुण ये मैं ग्रीन कलर ले लिया, ग्रीन कलर के नाल मैं लाइनस मारनियाँ शुरू कर दित्तियां। जिस तरह का असी की कहिंदे ने डिज़ाइन बनाना है उस तरह की शेप लैनी पेगी अपन। ये मैं दो कलर यूज़ कर रही हाँ, एक वरेडियन ग्रीन एक पर्शियन ब्लू, जेडे दोनों कलर्स नू जेड़ा मैं मिक्स करके थोड़ा जा डार्क कलर मैं इत्थे चाहिए है, मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हाँ। देखो फिर जो ये आलमोस्ट जो थर्ड फिलिंग करनी है असी तो कलर असी बहुत घट लेना है, सिर्फ ब्रश जिहड़ा है वह एक तरह का ड्राई हुंदा है सुक्का ही हुंदा है, उहदे नाल आपां शेडिंग देनी है, सिर्फ कलर्स नूं मर्ज करना है। इत्थे मैं स्कैच पेन भी डार्कनैस वास्ते मैं स्कैच पेन भी यूज़ कर लिया क्योंकि ये मैं डार्कनैस देनी है। इत्थे कईयां कोल ब्रश जिहड़ा वह हैंडल नहीं हुंदा ते मैं इत्थे स्कैच पेन यूज़ कीता है, तुसीं भी आराम नाल स्कैच पेन यूज़ कर सकदे हो। इहदे विच जिहड़ियां लाइनस लगानियां ने जिस तरह कि कहिंदे ने फुल्लां दियां पत्तियां बनियां होईयां ने उहनां दे नाल नाल ही ये लाइनस लगनगियां। हुण असी इत्थे डार्कनैस देनी है तो जिथे डार्कनैस देनी है उत्थे ये डार्क कलर दी जिहड़ियां लाइनस ने वह मैं लगा रही हाँ। आ देखो इत्थे डार्कनैस मैं दे रही हाँ, तो देखो इहदे नाल एक ये हो जाता है जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट हुंदा आ वह बेस नालों उपर आ जाता है, उहदी दिख वधिया दिखनी शुरू हो जाती है।
इस तरह ये डार्कनेस आ गई सारे चिट्टे फुलां दे थले कर लिया डार्कनेस देती है हूँ असी रेड फुलां दे थले डार्कनेस दे रहे हैं जिदे नाल डार्कनेस देने दे नाल ये अपने बेस तो उपर आ जाएंगे और इन्हां दी ब्यूटी जिहड़ी है वह वध जाएगी जिहड़ी देखे वो वधिया लगेगी। इहदे नाल नाल ही असी वाइट दे नाल डार्कनेस देनी शुरू कर दे दित्ती है। आ देखो ये डार्कनेस देने दे नाल जिहड़ा वाइट फुल है वो बाहर नूं आ जाएगा बेस तो। ये जिहड़ा मैं घा बनाया है उस दे उत्ते जिहड़े टिप है जिहड़ी वो जस्ट लाइक जिस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स नहीं होंदे उस टाइप दे दिखाने वास्ते मैं येलो कलर ते वाइट कलर दा कंबीनेशन जिहड़ा है मैं उहदे टच दे रही हाँ सिर्फ टच दे रही हाँ उन्हां नूं। आ देखो टच दे रही हाँ जिहदे नाल इहदी जिहड़ी दिख है एक पासे लाइट कलर आ रहा है एक पासे थोड़ा जिहा लैमन शेड डार्क कलर दे विच आ रहा है लाइट एंड शेड दे विच दोने आ रहे ने। देखो मेरे ब्रश दे उत्ते दोने कलर लगे ने मैं लगाए आ वाइट भी और लैमन येलो भी। देखो ये हुण आलमोस्ट साडी जिहड़ी पेंटिंग है टाइल है जिहड़ी टाइल पेंटिंग है कंप्लीट हो रही है। जिथे जिथे लोड़ पैंदी है उत्थे उत्थे इन्हां नूं हाईलाइट्स कहिंदे ने। आ देखो मैं डायरेक्ट जिहड़ा वाइट कलर लैके जिथे जिथे लोड़ है उत्थे उत्थे असीं हुण कलर लगा रहे हां वाइट कलर। इहदे नाल जिहड़ा कलर थोड़ा जिहा मर्ज हो जांदा है वह बाहर निकल रहा है वाइट कलर असी दोबारा लगा रहे हैं इहदे नाल जिहड़ा कलर मर्ज हो गया है वह बाहर आ गया। यह देखो हुण असी थल्ले ग्रास दे उत्ते लास्ट जिहड़े टचिज दे रहे हैं इहदे नाल साडी पेंटिंग आलमोस्ट जिहड़ी है वह कंप्लीट हो चुकी है। ये हुण साडी जिहड़ी टाइल पेंटिंग है वह बन चुकी है और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह आंदियां तुसीं इहदे नाल रलदी मिलदी कोई भी चीज़ अपने घरों जिस तरह टाइल हो गया टाइल दे नाल होर शेप्स दियां लै के बना सकदे हो। ये हुण असीं टाइल नूं जिहड़ी पेंटिंग वाली टाइल है इसनों असीं फ्रेम कर लिया है फ्रेम करन नाल इस दी जिहड़ी की कहिंदे ने खूबसूरती है होर भी ज़्यादा वध गई है। इस दे नाल नाल असी जो भी वेस्ट मटीरियल है जिस तरह टाइल्स हो गई उहदे उत्ते अपनी मनपसंद दी पेंटिंग करके तुसी अपने घर दे विच होर भी सजावट वध तो वध कर सकदे हो।